उत्तराखंड के खटीमा में बीते दिन मंगलवार देर शाम को खटीमा विकास खंड के दयूरी ग्राम में आराधना ज्वेलर्स के स्वामी नानक मत्ता निवासी रमेश रस्तोगी के ऊपर अज्ञात नकाबपोशों द्वारा उनकी दुकान पर ही गोलीबारी कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया और नकाबपोश हमलावर मौके से फरार हो गए। घायल रमेश रस्तोगी को उपचार के लिए खटीमा नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें बरेली भोजीपुरा अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां जाते समय रास्ते में ही घायल रमेश रस्तोगी की मौत हो गई। मृतक की पत्नी की तहरीर पर कोतवाली खटीमा में तत्काल ही मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी गई। बुधवार को मामले का खुलासा करते हुए SSP मंजूनाथ टीसी ने मीडिया को बताया कि मामले का खुलासा करने के लिए हमारे द्वारा कुल 8 टीमों का गठन किया गया है। बीते रात को लगभग 8-8:30 बजे हमको सूचना मिली कि ड्यूरिया जो गांव पड़ता है जनकट चौकी से भी 7 किलोमीटर दूर, वहां पर कुछ 2-3 लोगों द्वारा आए गए और एक छोटी सी दुकान है, मतलब गहनों की छोटी सी दुकान, सुनार का दुकान है, उस दुकान के अंदर आके 2 लोगों द्वारा एक दो कुछ राउंड फायर कर लिया गया। तुरंत 3 लोग भाग गए करके, उसमें चोटिल हो गया हमारा रमेश रस्तोगी करके, उस दुकान का संचालक और मालिक, ठीक है। तो ये बड़ा हैरतन घटना है। बाद में उसको बरेली रेफर कर लिया गया और रेफर होते होते हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सीरियस और संवेदनशील घटना था। इस घटना का संवेदनशीलता देखते हुए पूरे जनपद को हमने नाकाबंदी और सीलिंग करा दिया था। तो कुल मिला के रात भर काम करे इतनी बड़ी टीम का, कम से कम 30 से 40 लोग हमारा टीम थी, जो बहुत बड़ी टीम थी और अलग अलग काम कर रही थी। तो इस हम लोगों ने मैनुअल, टेक्निकल और सर्वेलांस तीनों के माध्यम से काम किया। इन तीनों का समागम का नतीजा है कि हमको काफ़ी इनपुट्स मिल गया और अल्टीमेटली तो हमारा मनोज धोनी और हमारा देवेंद्र गौरव को कड़ी इनपुट जब मिली, जब फोटोज को दिखा दिखा के एक जहां पे वो जीरो इन कर लिया, जहां पर वो छुपे रहते हैं, वहां पर हमको बहुत स्ट्रांग इनपुट मिला। उस स्ट्रांग इनपुट के आधार पर जाकर डेयरिंग रेड मारा। आधी रात में असलाहों से लेस बदमाशों को पकड़ना बहुत मुश्किल है, फिर भी हमारा टीम ने बहुत बड़ी रेड मारी और उस रेड का नतीजा ये हुआ कि तीनों अभियुक्त जो वारदात में शामिल थे वो तीनों अभियुक्त पकड़ में आ गए। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।